नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वेश। दिन भर की खबरों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं देश प्रदेश और विदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा महंगाई चरम पर है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। मोदी जी के विकास की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिला अस्पताल में आग लगने से 10 कोरोना मरीजों की हुई मौत, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव ना लड़ने की दी सलाह, बोले योगी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। दिल्ली में मुफ्त राशन देने की योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, केजरीवाल बोले महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों का बजट बिगड़ गया है। बिहार में शराब बैन होने के बाद भी जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहरीली शराब पीने से बिहार में फिर 4 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में सेना के 2 जवान भी शामिल। दिल्ली में कल से होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 5 राज्यों के चुनाव पर होगी खास चर्चा। गुजरात के गांधीनगर में 5 मजदूरों की हुई मौत, केमिकल फैक्ट्री के गंदे पानी में टैंक की सफाई करने के दौरान हुआ हादसा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया को सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने किया बुरी तरह ट्रोल, नेहा ने पटाखे न जलाने की करी थी अपील। आर्यन खान ड्रग केस में शाहरुख का रिएक्शन जानना चाहती है विदेशी मीडिया, एक्टर ने किया इनकार। दिवाली के 2 दिन बाद दिल्ली में कम हुई धुंध, लेकिन AIQ अब भी सीरियस कैटेगरी में। हरियाणा सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, राज्य में 65% युवाओं को मिलेगी नौकरी, अधिसूचना हुई जारी। अमेरिका के एक जू में 2 हाइना को हुआ कोरोना, जानवरों में कोरोना संक्रमण का दुनिया का पहला मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अफ्रीकी देश सियेरा लियोना में हुआ बड़ा हादसा, तेल के टैंकर में भीषण विस्फोट से हुई 91 लोगों की मौत। पंजाब सरकार के शीर्ष वकील APA देओल ने किया नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला, बोले सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं सिद्धू। साइबेरिया से 40,000 किलोमीटर उड़कर मेरठ पहुंचे विदेशी पक्षी, चहचहाट से गुंजायमान हुआ हस्तिनापुर सेंचुरी। IT डिपार्टमेंट ने की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के 95 करोड़ से ज्यादा की रकम पर लगाई रोक। भारत की निशानेबाज मनु भास्कर ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन ईरान के जावेद फोरोगी के साथ मिलकर ISSF प्रेसिडेंट कप में जीता गोल्ड मेडल। भारतीय मूल के व्यक्ति को अगले हफ्ते फांसी देगा सिंगापुर, मौत की सजा का दुनिया भर में हो रहा है विरोध। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और साध्वी निरंजन ज्योति ने मनाया भाई दूज। तो देश प्रदेश और विदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।